श्रद्धा आर्या के शादी के बाद टीवी इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर एक्टर नील भट्ट ने भी अपनी शादी का ऐलान कर दिया है। जी हां, नील भट्ट और उनकी को स्टार ऐश्वर्या शर्मा 30 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, जिनकी शादी की खबर सुनकर जहां दर्शकों में हर किसी की तरफ से अलग अलग रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं इनके इसी सीरियल में नजर आ रहे इनके को स्टार ने भी इनकी शादी पर अपने काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन दिए हैं। और इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको गुम है किसी के प्यार में नजर आ रहे उन्हीं सितारों के रिएक्शन के बारे में बताने वाले हैं, तो आइए जल्दी से जानते हैं। नंबर वन, योगेंद्र विक्रम सिंह। नील भट्ट और ऐश्वर्या की शादी पर रिएक्शन देने वाले सितारों में सबसे पहला नाम शामिल है योगेंद्र विक्रम सिंह का, जो कि सीरियल में ऐश्वर्या शर्मा के हस्बैंड की भूमिका निभाते हैं। और इसके लिए इन्होंने रिएक्शन देते हुए कहा कि क्या यार नील, तुमने तो सीरियल के साथ साथ रियल लाइफ में भी ऐश्वर्या को मुझसे छीन लिया। चलो कोई बात नहीं, अब ऐश्वर्या अगर तुम्हारी ही हो गई है तो उसे अच्छे से रखना। तुम दोनों की शादी के लिए तुम्हें ढेर सारी बधाइयां देता हूँ और चाहता हूँ कि तुम्हारी जोड़ी बेस्ट जोड़ी बनकर सामने आए। नंबर दो, किशोरी साहने। सीरियल में नील भट्ट की चाची की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री किशोरी साहने भी इस लिस्ट में शुमार हैं, जो कि इन दोनों की शादी से बेहद खुश हैं। और इसलिए इन्होंने रिएक्शन देते हुए कहा कि तुम दोनों फाइनली शादी करके एक होने जा रहे हो, मुझे तुम्हारी शादी की बहुत खुशी है। मैं तो तुम दोनों की जोड़ी की हमेशा सलामत की दुआ करूंगी और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहो। नंबर थ्री, आयशा सिंह। ऐश्वर्या और नील की शादी पर रिएक्शन देने वालों में आयशा सिंह भला कैसे पीछे रह सकती है, और तभी तो आयशा सिंह ने भी रिएक्शन देते हुए कहा कि विराट सर, आपने तो मुझे धोखा दे दिया, मुझे छोड़कर आप बहुत पछताओगे। खैर, मजाक को साइड करते हुए मैं आप दोनों को आपकी शादी के लिए ढेर सारी बधाइयां देना चाहूंगी। ऐश्वर्या और आप एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, मुझे तो आप दोनों की शादी का न जाने कब से इंतजार था, फाइनली आपने मेरा इंतजार खत्म कर दिया, इसलिए मुझे तो बस अब 30 तारीख का इंतजार है। तो दोस्तों, नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की शादी पर आपका क्या रिएक्शन है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।